ये देख लो गाइस, ब्लॉगर जनक यहाँ सेल्फी ले रहे हैं लाल चौक पे, और यहाँ बहुत आर्मी है। इंडिया की सबसे सेफेस्ट जगह ये, जहाँ पे देखो आर्मी है, बहुत सेफ जगह है। और इंडियन आर्मी को देख के आपको प्राउड फील होगा और आपका सैल्यूट करने का मन करेगा। मतलब बहुत अच्छा लगा आज ये चीज़ देख के, यहाँ पे ये चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी और बहुत ही शानदार है भाई, ऐसा होना चाहिए। और एक कश्मीर की यहाँ की जो श्रीनगर की मार्केट्स वगैरह ना, वो बहुत ज़्यादा मतलब अच्छी है, सुंदर बनी हुई है, नीट एंड क्लीन एकदम। वो चीज़ें अभी हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, आपको वीडियो में और दिखाएंगे। गाइज, अब हम पोलो व्यू मार्केट आ चुके हैं। जब हम लाल चौक के लिए जा रहे थे तो रास्ते में हमें ये मार्केट दिखाई दी, तो फिर लाल चौक एक्सप्लोर करने के बाद हमने डिसाइड किया कि हम पोलो व्यू मार्केट देखने जाएंगे, क्योंकि काफ़ी सुंदर बनी हुई है, जो कि अब आपको वीडियो में देखने को मिलने वाली है। पोलो व्यू मार्केट जो है वो घूम रहे हैं, मतलब बहुत शानदार मार्केट है। आज तक मैंने जितना भी ट्रैवल किया है, मैंने इतनी अच्छी मार्केट कहीं पे नहीं देखी। आपको ऐसा लगेगा कि आप इंडिया में नहीं, कोई फॉरेन कंट्री में आए हुए हो। काफ़ी शानदार बनी हुई है मार्केट, लग रही है ना, ये बात बिल्कुल सही है ना? बिल्कुल एकदम जायज़ बात है, बहुत अच्छी मार्केट है। हाँ, बहुत शानदार बनी हुई है, बिल्कुल देखने वाली जगह है, बहुत अच्छी मार्केट है, बहुत ही अच्छी। मतलब आप अच्छे से यहाँ पे अगर आपको शॉपिंग करनी है तो आप अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हो। अगर मार्केट ही देखनी है तो आपको 20 मिनट लगेंगे, आप देख के यहाँ से चले जाओगे। एक दो रेस्टोरेंट भी है। कौन सा रेस्टोरेंट था वो? एक वो पोलो डी व्यू कैफे डी पोलो, हाँ वहाँ भी आप, अगर आपको कुछ खाना पीना हो तो आप खा सकते हैं। तो बाकी काफ़ी अच्छी मार्केट है। श्रीनगर में ये चीज़ें सोची नहीं थी जो देखने को मिल रही है, तो बहुत अच्छा है श्रीनगर मार्केट, मार्केट बहुत अच्छी है। लाल चौक पर भी काफ़ी अच्छा लगा। तो अब खाने की तरफ जाएंगे, कोई अच्छे रेस्टोरेंट में जाएंगे जहाँ बढ़िया वेज खाना मिले, जहाँ पे सिर्फ वेज ही मिलता हो, तो ऐसा कोई रेस्टोरेंट ढूंढ रहे हैं, तो वहाँ पे अब सीधा आपको मिलेंगे खाने पे। तो गाइस फाइनली पहुँच गए हैं मुगल दरबार में। अब यहाँ पे करेंगे आज अपना डिनर। पहले हल्दीराम गए, हल्दीराम नहीं मिला, और फिर कौन सी भी वो ढाबा कौन सा था जहाँ पे अपने पहले, हाँ कृष्णा ढाबा, उसकी थोड़ी सी सैड स्टोरी है। उनके बेटे को एक बार जो यहाँ पे शूट कर दिया गया था, वो कोई हिंदू का ढाबा है, तो उस करके ऐसी जो है घटना उनके साथ हो गई थी। उसके बाद एक साल तक बंद रहा, तो काफ़ी लोग उनके पास आते हैं, उनका खाना काफ़ी फेमस है, हम भी वहीं खाने गए थे, लेकिन वो हमें वहाँ बंद मिला। तो अब आ गए हैं मुगल दरबार, ये पोलो व्यू मार्केट के बिल्कुल पास है, तो यहाँ पे हमने ऑर्डर कर दिया है, तो अब खाना एंजॉय करेंगे। वरुण काफ़ी डर रहा है, कोने में लग के बैठ गया है। डर रहा है वरुण? नहीं डर तो नहीं, ऐसे ही आराम से, मतलब सेफ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आर्मी इतनी है कि इतने लोग नहीं है यहाँ पे, कोई डरने की बात नहीं है बिल्कुल। हमारे हिंदू भी बहुत आए हैं या ऐसे भी कोई? हाँ बिल्कुल, क्योंकि हमारे पास वाले टेबल पे जो लोग बैठे हैं वो नोएडा से आए हैं, और हम भी नोएडा से ही आए हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बड़ी आराम से अपना खाना खाएंगे। ऑर्डर कर दिया, 10 मिनट में ऑर्डर हमारा आ जाएगा। इनके पास वेज भी मिलता है, मतलब
ऐसा कोई रेस्टोरेंट नहीं है जहाँ पे आपको केला वेज मिले, सिर्फ वो एक कृष्णा ढाबा ही था जहाँ पे आपको वेज मिलता है। नॉन वेज का मुझे वहाँ का पता नहीं है, मैं आपको ऐसे ही बोल दूँ, लेकिन जितना मुझे पता है कि यहाँ पे आपको हर जो रेस्टोरेंट वगैरह या ढाबा है वहाँ पे आपको वेज नॉन वेज मिलेगा ही मिलेगा। तो अभी आ जाता है अपना खाना, फिर खाना खा लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपको। सो गाइज, हमने ऑर्डर किया था वाजा पनीर और मलाई कोफ्ता, और ये कॉम्प्लीमेंट्री रायता, लेकिन रायते का मैं आपको बता दूं कि पुदीने वाली चटनी को ये रायता बोलते हैं। और ये नान, आपको यहाँ पे रोटी नहीं मिलेगी, और सैलेड वगैरह कॉम्प्लीमेंट्री सब चीज़ें है ही। तो भाई दिखने में दोनों सब्जियाँ ही काफ़ी अच्छी लग रही है, तो अभी एक बार खा ले फिर मिलते हैं रिव्यू के साथ। फाइनली होटल पहुंचने वाले हैं, और अब आप डल लेक का नाइट का व्यू देख रहे हो, काफ़ी शानदार व्यू आता है। अभी हमारे होटल से भी इसका ऐसा ही व्यू देख रहा है, लेकिन अब ठंड बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है, मतलब खुद मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो हाथों को बहुत ज़बरदस्त ठंड फील हो रही है। तो अब सीधा होटल चलते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपको। ये तनवीर जी गोदारा है सालीवाड़ा से, कल इन्होंने 4-5 बार टेस्ट किए थे अलग अलग फ्लेवर, 4-5 अलग अलग फ्लेवर, और आज फिर मैंगो कर रहे हैं। मतलब क्या चाहते हो आप? आप ये चाहते हो देश बिल्कुल घाटे में आ जाए? हाँ, आपकी वजह से। देखना, शर्म नहीं आ रही? डिनर कहाँ पे किया था? मुगल दरबार पे डिनर करने के बाद अब आइसक्रीम के लुफ्त उठा रहे हैं होटल वाले फूड कोर्ट में। सो गाइस, आज का डे हमारा बहुत अच्छा रहा, बढ़िया शिकारा राइड में हमने एंजॉय किया, उसके बाद हम सिटी में चले गए। लाल चौक देख के तो बहुत ही अच्छा फील हुआ भाई, और उसके बाद बढ़िया हमने खाना खाया। खाना उस टाइम बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा अच्छा खाना अपने उसको नहीं कह सकते। ठीक है, वैसे बुरा भी नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छा भी अपने उसे नहीं कह सकते हैं। और अब वापस होटल आ गए हैं, एक पार्टनर हमारा सो रहा है, इसको तो नींद आ गई है, ये सबसे जल्दी सोता है और सबसे लेट उठता है, इसने पूरा चिल किया इस ट्रिप में। और ये इसका और मेरा सेम ही है, हम दोनों चीज में लेट रहते हैं, हम दोनों लेट ही सोते हैं, और फिर हर चीज में एक्टिव है। नहीं, एक्टिव ये भी है, लेकिन ये थोड़ा सा चिल मैन है, मजे ज्यादा करता है, ये फन ज्यादा करता है, एंजॉय करता है ये आराम से। तो आज का दिन हमारा काफी अच्छा रहा, और कल जो है गुलमर्ग जा रहे हैं हम, मतलब मेन गुलमर्ग के लिए ही हमने ये सारा ट्रिप प्लान किया था। हालांकि स्नोफॉल वाला तो अभी भी चल रहा है, आज शाम को सुना कि हल्की स्नोफॉल गंडोला फेज वन में हुई है, बाकी आज सिंथन टॉप में अच्छी स्नोफॉल हुई है। तो सिंथन टॉप आप जरूर जाइए, अगर आपको कहीं भी स्नो नहीं मिल रही है तो सिंथन टॉप पे तो आपको मिलने ही वाली है। हमारा एक्सपीरियंस भी वहाँ बहुत अच्छा रहा, क्यों वरन? बिल्कुल, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, इंस्टेंट प्लान बना हमारा। हाँ, सिंथन टॉप पर वहाँ बहुत ज्यादा टूरिस्ट जा भी नहीं रहे हैं, तो वो भी अच्छी चीज है, ऑफ बीट लोकेशन है बिल्कुल। बाकी वीडियो आप फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो पेज को फॉलो कर लेना, और यूट्यूब पे देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस। ये व्लॉग हो रहा है यही एंड, हम कल मिलेंगे आपको गुलमर्ग के व्लॉग में।